बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21वां खत, ईद मिलादुन्नबी। सलीम बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हारे ज़ौके कुरानी में बरकत अता फरमाए। रफ्ता रफ्ता तुम्हारी निगाह किस कदर साफ और तुम्हारी बसीरत किस कदर नूरानी होती जाती है। कुरान को गौर फिक्र से समझने का ये लाजमी नतीजा है। वो खुद रोशनी है और इंसान को तारीकियों से निकालकर रोशनी की तरफ लाता है। जैसा कि मैंने तुम्हें एक मरतबा पहले भी लिखा था और ये गालबन शुरू 1953 की बात है, मेरे नजदीक दुनिया के लिए जश्न मुसर्रत की तकरीबात दो ही हैं, एक नजूले कुरान की ईद और दूसरी ईद मिलादुन्नबी। और ये दोनों तकरीबात भी एक सिक्का के दो रुख और एक ही असल की दो शाखें हैं, इसलिए कि ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान से अलग किया जा सकता है और ना ही कुरान को रसूलल्लाह से जुदा। कुरान कल्बे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा वही खुदावंदी का नाम है और रसूलल्लाह कुरानी सीरत के दरख्शिंदा पैकर। यही वजह है कि कुरान ने सिर्फ अहकाम व कवानीन ही अता नहीं किए बल्कि सीरत मुहम्मदिया के असूली गोशों को भी अपने दामन में महफूज कर लिया है। तुमने पूछा यह है कि रसालत मुहम्मदिया का मकसूद क्या है, उसने नौए इंसान को क्या दिया है, उसका वो कौन सा कारनामा है जिसकी वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी मुहसिनीन आलम इंसानियत की फहरिस्त में सरेनवान चमकता दिखाई देता है। इस सवाल के जवाब में तो जखीम मुजल्लदात लिखी जा सकती हैं और खुद मेरी किताब मेराज इंसानियत भी इसी सवाल के जवाब की कोशिशें नातमाम है, लेकिन कुरान ने इन तमाम तफसील को जिस हुस्न खूबी से एक फिक्रा में सिमटा कर रख दिया है, जब निगाह बसीरत इस पर गौर करती है तो इस पर वालेहाना वजद की कैफियत तारी हो जाती है। सूरह आराफ में बेसत मुहम्मदी की गायत मकसूद का जिक्र करते हुए कुरान ने कहा है कि वा यजाओ अनहुम इसराहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम 7/157। वो नौए इंसान के सर से तमाम बोझ उतार कर रख देगा जिसके नीचे वो दबी हुई चली आ रही है और इन तमाम जंजीरों को तोड़ देगा जिनमें वो जकड़ी हुई है। यह है सलीम बेसते मोहम्मदिया की वो अजीम गायत जिसे कुरान ने इस इर्तकाज़ो इख्तसार से इन चंद अल्फाज में बयान कर दिया है। अगर तुम गौर करोगे तो यह हकीकत निखर कर सामने आ जाएगी कि रसालत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हद फाजल है। जमाना कदीम और दौरे जदीद में उससे पहले की इंसानी तारीख दरअसल एक मुसलसल दास्तान है, इन ग्राम बार सिलों की जिनके नीचे इंसानियत बुरी तरह दब रही थी और इन अतवाको सलासल की जिनमें उसका बंद बंद जकड़ा हुआ था बाई नमत कि वो अपनी मर्जी से एक कदम भी इधर उधर नहीं हो सकती थी। ये जंजीरें वो थी जिनमें इंसान का दिलो दिमाग दोनों माखूज थे, इनसे ना उसके जहन में सही फिक्र परवरिश पा सकती थी ना ही उसके सीने में हसीनो खुशगवार जज्बात की बालिदगी मुमकिन थी। किस्सा बनी इसराइल में देखो, कुरान ने इन मसीतराने नौए इंसानी का तज़करा किस शरा व बस्त से किया है जो इंसानी कल्बो दिमाग पर बुरी तरह मुसलत रहते हैं। फिरौन इस्तबदाद मलूकियत का मुजस्मा कि जिसका नाम आज तक बतौर जरबल मिसल इस्तेमाल होता है, हामान मजहबी पेशवाइयत की दसीसा कारियों का नुमाइंदा जिसकी सिहरकारी की बुनियाद पर कसरे फिरौनियत उस्तवार था, और कारून सरमायादारी की लानत का नुमाइंदा जिसने खुद अपनी कौम के लहू का आखिरी कतरा तक चूस लिया था। इसमें शुबा नहीं कि इनमें से हर संगे ग्रान इंसानियत की हड्डियां तोड़ देने के लिए काफी था, लेकिन जिस अंदाज से मजहबी इस्तबदाद उसके दिलो दिमाग पर मुसलत हो रहा था
उसकी मिसाल दूसरे शोबों में भी नहीं मिल सकती थी। रिसालते मोहम्मदिया का सबसे बड़ा मारका आरा कारनामा यह है कि उसने फिक्रे इंसानी को जंजीरों से आजाद किया। इस मकाम पर शायद तुम्हारे दिल में यह ख्याल पैदा हो कि इस्लाम तो खुद एक मजहबी तहरीक रिलीजियस मूवमेंट है, इसलिए उसने इंसान को मजहब के चुंगल से किस तरह छुड़ा दिया। अगर कोई दहरिया ये कहे कि मैंने फिक्रे इंसानी को मजहब की फिक्र से आजाद कराया है तो उसका यह दावा काबिले फहम होगा, लेकिन एक मजहबी तहरीक का यह दावा किस तरह काबिले पजीराई समझा जा सकता है? तुम्हारे दिल में उसका ख्याल पैदा होना बजा है, लेकिन हकीकत वही है जिसकी तरफ मैंने ऊपर इशारा किया है। यह मकाम जरा मुश्किल है, इसलिए इसे गौर से समझने की जरूरत है। मजहब की दुनिया में बुनियादी तस्वर खुदा का है। इस तस्वर को इस कदर अहमियत हासिल है कि किसी कौम में जिस किस्म का खुदा का तस्वर होगा उसके मुताबिक इस कौम की तहजीब व माशरत और जहनीत और नफसियाती कैफियत होगी। खुदा के सही तस्वर के मुतल्लिक मैं एक साबका खत में तफसील से लिख चुका हूं। इस वक्त इतना समझ लेना काफी होगा कि रसालते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मजाहब की दुनिया में खुदा का तस्वर एक मुस्तबद और मुतलकुल इनान हुक्मरान कैसा था जो न किसी कायदे का पाबंद था न कानून का, जिसके हां न कोई आयन था न दस्तूर। वो जो जी में आया करता था और जिस किस्म का जी चाहे हुक्म दे देता था। दुनिया के आम शहनशाहों की तरह उसकी भी ये कैफियत थी कि सादी के अल्फाज में गाहे बैसलामे बरखंद हो गाहे बैशनामे खलत बख्शंद। उसके हां से बतौर इस्तेहकाक कुछ तलब करना तकब्बुर नखवत समझा जाता था, इसलिए कि वो जिसे कुछ देता था अपनी खुशी से बतौर एहसान देता था। लिहाजा इंसान की हर वक्त कोशिश ये रहती थी कि वो किसी न किसी तरह खुदा को खुश रखे, इंसानी बादशाहों की तरह। इसे खुश करने के लिए कभी इसकी शान में हमदो सताइश के कसीदे पढ़े जाते थे और कभी उसके हजूर गिड़गिड़ा कर रहम की दरख्वास्तें गुजारी जाती थीं, कभी उसकी बारगाह में नजराने पेश किए जाते थे और कभी इसे कुर्बानियों से खुश किया जाता था। फिर दुनियावी बादशाहों की तरह खुदा का दरबार भी होता था जिसमें मकर्रबीन इसके गर्दोपेश बैठते थे, बाहर हाजिबो दरबान होते थे। लिहाजा आम इंसान के लिए उस तक बराह रास्त पहुंचना नामुमकिन था। उसे खुदा तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वसीलों और सिफारशियों की तलाश करनी पड़ती थी। ये सिफारशी वो मुकर्रब थे जो खुदा के दरबार में मौजूद रहते थे। उनकी सिफारिश से अवाम के काम निकलते थे। अवाम को उनकी सिफारिश हासिल करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता था। गर्जे के इस किस्म का खुदा और उसके ये तमाम मुकर्रबीन इंसान के लिए मुस्तकिल हवा बने रहते थे। तुम गौर करो सलीम कि अगर किसी जीह से इंसान को इस किस्म के बादशाह के जेर हुकूमत चार दिन भी गुजारने पड़े तो उसके एहसास इंसानियत का हशर क्या होगा, और अगर उसे इस दुनिया की पूरी जिंदगी और उसके बाद की जिंदगी दोनों इस किस्म के खुदा की हुकूमत में बसर करनी पड़े जिसमें हर वक्त यह धड़का लगा रहे कि अब छुरी सयाद ने ली, अब कफ्स का दर खुला, तो उसमें उसकी कैफियत क्या होगी? ये थी वो नाकाबिले बर्दाश्त पत्थर की सिलें जिसके नीचे इंसानियत दबी चली आ रही थी, और ये थी वो इस्तख्वान शिकन जंजीरें जिनमें इंसान जकड़ा हुआ था। रिसालत मुहम्मदिया ने आकर खुदा का ऐसा तसव्वुर दिया जिससे मजबूर महकूर इंसान अब तमाम अवलालो सलासल से आजाद होकर शर्फ इंसानियत से हम आगोश हो गया। उसने बताया कि बेशक खुदा ला इंतहा कुव्वतों का मालिक और अपने इरादों और फैसलों में मुख्तार मुतलिक है, लेकिन उसने नज्मो नस्क कायनात और इंसानी सही अमल के नतायज के लिए ऐसे अटल कवानीन बना दिए हैं जिनमें कहीं कमी बेशी नहीं होती। खलका कुल्ला शैयन फकद्दरहु तकदीरा 25/2। उसने हर शय को पैदा किया और फिर उसके लिए पैमाने मुकर्रर कर दिए। ये कदर या पैमाने ही हैं जिन्हें वो दौरे हाजिर की इस्तलाह में कानून लॉ कहा जाता है। कानून या लॉ से मुराद वो कानून नहीं जिसकी अदालतों में मिट्टी पलीद होती है, बल्कि वो कानून जिसके मुताबिक कारगह कायनात इस हुस्नो खूबी से चल रहा है। कब
जअलल्लाहु लिकुल्लि शयइन कदरा 65:3 यह हकीकत है कि अल्लाह ने हर शय के लिए एक कानून बना दिया है, लिहाजा यहां किसी मुस्तबद हाकम की मुतलकुल इनानी कार फरमा नहीं। यहां हर काम कायदे और कानून और आइनो दस्तूर के मुताबिक होता है, जिसे हम अमरुल्लाह या खुदा का हुक्म कहते हैं। जब वो आलम महसूसात में कार फरमा होता है तो कवानीन की हदूद में महदूद हो जाता है। वकाना अमरुल्लाह कदरन मकदूरा 33:38 जाहिर है इसलिए जहां हर काम कानून के मुताबिक सर अंजाम पाता हो वहां न किसी की खुशामद दरामद की जरूरत होती है, न रिश्वत और नजराने की, वहां न किसी वसीले की एहतियाज होती है, न किसी सिफारिश की तलाश, वहां न किसी से बेइंसाफी होती है, न किसी की रू रियायत। इस अंदाजे हुकूमत में واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون। फिर ये कानून भी इस तरह नतीजा खेज होता है जिस तरह संख्या खाने से हलाकत और पानी पीने से प्यास की तस्कीन हो जाती है। इसमें न किसी अदालत में जाने की जरूरत पड़ती है, न कोर्ट फीस लगाने की हाजत, न गवाह बुलाने का मतालबा होता है, न दस्तावेजें पेश करने का तकाजा। इधर अमल सरजद हुआ उधर उसका नतीजा मुरतब होना शुरू हो गया। सोचो सलीम कि इस किस्म की फजा में इंसान को किस कदर हुर्रियत और आजादी नसीब होती है और उसकी पेशानी में सरबुलंदियों और सरफराजियों के कितने अजीम अर्श झलक उठते हैं। इसमें कानून की अतात करनी होगी और बस। इसमें किसी फर्द की गुलामी और महकूमी का सवाल ही नहीं होगा, ना ही वो तजब्जब और इज़्तिराब जो मुस्तबद शहनशाह किस्म के खुदा के तसव्वुर के मातहत हर वक्त सीना आदम में आतिशे खामोश की तरह चुलकता रहता था कि नामालूम वो किस बात से नाराज हो जाए और उसका नतीजा क्या हो। अब हर शय के पैमाने मुकर्रर हैं, इन पैमानों कवानीन का इल्म हासिल कीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि फलां अमल का नतीजा क्या होगा। उसके बाद आपका हर कदम हतम यकीन के साथ उठेगा। इस हतम यकीन के साथ के दुनिया ख्वा इधर से उधर हो जाए, जिस कानून का सर रिश्ता आपने थामा है वो कभी टूट नहीं सकता। तुम्हें सलीम वो रस्से का अमल रोप वे याद है जिसमें पंगूड़ा लटकाकर इतनी गहरी खड को अबूर किया करते थे। जब वो पंगूड़ा ऐन बीच में जाता और नीचे खड का भयांक अंधेरा नजर आता तो वो समा किस कदर होलनाक होता था। लेकिन इसके बावजूद हम किस हंसी खुशी से इधर उधर आया जाया करते थे। ये इत्मीनान किस चीज से हासिल था? सिर्फ इससे कि उसका रस्सा इस कदर मजबूत है कि वो कभी टूटेगा नहीं, वो दरमियान में जाकर धोखा नहीं देगा। बस ऐसा ही इत्मीनान इस कानून की अतात से होता है जिसके मुतल्लिक यकीन हो कि वो कभी दगा नहीं देगा, कभी टूटेगा नहीं। ला इकराह फिद्दीन कद तबयन अर्रुश्द मिन अल्गय فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم। 2/256 जिसने हर गैर खुदावंदी कानून से मुंह मोड़कर सिर्फ कानून खुदावंदी पर भरोसा कर लिया, उसने एक मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूट नहीं सकता। और इस कानून की अतात भी किसी थानेदार के हुक्म की अतात नहीं बल्कि एक डॉक्टर की हदायत की तामील है। जो इन हदायत की तामील करेगा वो बीमारी से महफूज रहेगा, जो इनके खिलाफ जाएगा उसकी सेहत तबाह हो जाएगी। اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 2/38 कायनात में कानून की कारफरमाई के तसव्वुर ने हर किस्म की तोहम परस्ती का खात्मा कर दिया. उसका मतलब यह है कि कायनात में कोई हादसा यूं ही हंगामी तौर पर रू नमा नहीं होता बल्कि सिलसिलाए इल्लतो मालूल काज एंड एफेक्ट के मुताबिक होता है. इस हकीकत ने हर जहन को दावते गौर फिक्र दी और इस तरह खुदा के इस तसव्वुर से साइंटिफिक दौर का आगाज हो गया और इल्मे इंसानी के लिए तहकीको काविश के ला इंतहा रास्ते खुल गए. तुमने देखा कि खुदा के तसव्वुर में इस बुनियादी तब्दीली से रिसालत मुहम्मदिया ने इंसान को कहां से कहां पहुंचा दिया और उसके कल्बो अजहान से किस किस किस्म का बोझ उतार कर उसे सही इंसानियत की आजादी अता कर दी. मजहब की दुनिया में खुदा के बाद रसूल का दर्जा आता है. रसालत मुहम्मदिया से पहले अकवाम आलम ने अपने मजहब के बानियों को इंसानी सतह से उठाकर खुदाई मसरत पर बिठा दिया था. हिंदू अपने ऋषियों को परमेश्वर का अवतार मानते थे. जरतश्तियों का मित्रा खुद खुदा माना जाता था. ईसाइयों ने हजरत मसीह को खुदा का बेटा ही नहीं बल्कि खुदाई में तीसरे हिस्से का शरीक करार दे रखा था. अलावा उसके कि यह चीज इल्म हकीकत के खिलाफ थी. जहनी इंसानी पर इसका असर यह था कि लोग समझते थे कि वो बड़े बड़े कारनामे जो उन बुजुर्गों से सरजद हुए दूसरे इंसानों से अमल में नहीं आ सकते क्योंकि वो माफूकुल बशर कुवतों के हामिल थे. यही वजह थी कि ये कौम अपनी निशातिसानियां ताजा हयात कौमी के लिए किसी माफूकुल बशर आने वाले का इंतजार करती थी. उनका अकीदा यह था कि यह काम हम लोगों से हो ही नहीं सकता. तुम समझते हो सलीम के इस अकीदा का नतीजा क्या हुआ. ये कौमें फिक्रो अमल दोनों एतबार से कामते इंसानियत तक पहुंच ही न सकी. उनके आसाब पर हर वक्त जज्बा मरूबियत सवार रहता था जो उनके मुजमर जौहरों में बालिदगी पैदा नहीं होने देता था. रसालत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ऐलान किया कि अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया. इस खसूसियत को छोड़कर के नबी को खुदा की तरफ से वही मिलती है वो तुम्हारे ही जैसा इंसान होता है लिहाजा वही के मुताबिक जो इनकलाब उसने बर्पा किया था वो तुम भी कर सकते हो. उसके लिए किसी माफूकुल बशर कुवत को इस्तेदाद की जरूरत नहीं. रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए इस एतबार से नमूना बनती है कि जो कुछ उसने किया था वो तुम्हारे लिए नामुमकिनुल हसूल या नामुमकिनुल अमल नहीं. तुमने गौर किया सलीम के रसूल के तसव्वुर में इस तब्दीली ने इंसान को जमीन की पस्तियों से उठाकर किस तरह आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया. लेकिन रसालत मुहम्मदिया ये तो उससे भी एक कदम आगे चली गई. उससे पहले इंसान अपने अहद तफूलियत में था जहां उसे कदम कदम पर किसी उंगली पकड़ने वाले के सहारे की जरूरत थी. यही वजह थी कि इस दौर में अंबिया का सिलसिला पहमो मतवातर जारी रहा लेकिन रसालत मुहम्मदिया ने ऐलान कर दिया कि अब यह सिलसिला नबूवत खत्म हो गया है. उसके मानी यह है कि अब इंसानों को अपने मामलात के फैसले आप करने होंगे. सिर्फ ये देखना होगा कि उनका कोई फैसला उन गैर मुतबद्दल उसूलों के खिलाफ न जाए जो वही ने अता किए हैं और जो अब कुरान की बफतैन में महफूज हैं. जैसा कि एक सबका खत में बताया जा चुका है इंसानियत की तारीख में खत्म नबूवत का ऐलान एक बहुत बड़ा इनकलाब है. उससे इंसानी तारीख में नए दौर का आगाज होता है और यह ऐलान माजल्ला किसी मुनकर नबूवत की तरफ से नहीं हुआ. खत्म नबूवत का ऐलान खुद जबान नबूवत से हुआ है. यह ऐलान है इस हकीकत का अब इंसान सने शऊर को पहुंच गया है और उसे सिर्फ इतनी रहनुमाई की जरूरत है कि हर दोराहे पर मालूम हो जाए कि यह रास्ता किस तरफ जाता है और वो रास्ता किस समत को. तुमने गौर किया असलीम की यह रसालत मुहम्मदिया ने
इस बाब में किस कदर हुर्रियत फिक्र आम और खुद एतमादी और खुद फैसलगी की सलाहियत अता की है। मजहब की दुनिया में तीसरी चट्टान या जंजीर, जंजीर क्या पूरे का पूरा जेल खाना पेशवाइयत की लानत है, वही जिसे अंग्रेजी में प्रेस्टहुड, हिंदुओं के यहां ब्राह्मणियत और हमारे यहां मुलायत कहा जाता है। ये जंजीरें वह हैं जो इंसान को एक कदम भी अपनी मर्जी से उठाने नहीं देती। यूं बैठो, यूं उठो, यूं सो, यूं जागो, यूं चलो, यूं फिरो, यूं खाओ, यूं पियो, दायां पांव इधर रखो, बायां उधर, सीधा हाथ यूं उठाओ, उल्टा यूं। पूरी की पूरी जिंदगी एक मुस्तबत डिक्टेटर की रेजिमेंटेशन बना दी जाती है। सोचो सलीम के इंसानियत पर यह बोझ किस कदर गरा और ये जंजीरें किस कदर इस्तख्वा शिकन थी। रसालत मोहम्मदिया ने इन तमाम जंजीरों को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया और कह दिया कि खुदा और बंदे के दरमियान कोई कुव्वत हायल नहीं हो सकती। कानून की अतात में पेशवाइयत का क्या काम, इससे आगे बढ़िए। मजहब की दुनिया में निजात का तस्वर सामने आता है, उसे दर हकीकत मजहब का मकसूद और मुंतहा करार दिया जाता है। खुद लफ्ज निजात उसकी गमबाजी करता है कि इंसान किसी जेलखाने में महबूस या सख्त जंजीरों में मुकैद है और इन जंजीरों से रिहाई हासिल करना निजात है। रसालत मुहम्मदिया ने इसका ऐलान किया कि निजात का ये तसव्वुर गलत है। इंसान किसी मुसीबत में गिरफ्तार नहीं कि उसे उससे निजात दिलाई जाए। इसे कुछ कुव्वतें और सलाहियतें दी गई हैं और मुमकिनात की एक वसी दुनिया उसके सामने रख दी गई है। उसके बाद उससे कह दिया गया है ये अपनी सही अमल से जो कुछ हासिल करना चाहता है करे, और जिस कदर मता हासिल करेगा इतना ही कामयाब वो कामरान होगा। यही वजह है कुरान ने जिंदगी का मकसूद निजात की बजाय फलाह व फौज करार दिया है। फलाह के मानी खेती का परवान चढ़ना, मेहनत का समरबार होना और फौज के मानी है अचीवमेंट। इन सलाहियतों की नशोनुमा जिन से जिंदगी अपनी इर्तकाई मनाजिल तय करती हुई आगे बढ़ती चली जाए। तुमने गौर किया सलीम के रिसालत मोहम्मदिया ने यक जुम्बशन मोहकम जंजीरों को किस तरह तारे अनकबूत बनाकर रख दिया। मजहब की दुनिया से आगे बढ़कर मामलात की दुनिया में आइए तो मलूकियत का इस्तबदाद नवे इंसान के सर पर हमालिया से ज्यादा ग्रां बार पहाड़ था, जिससे छुटकारा हासिल करने की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। रसालत मोहम्मदिया ने नौए इंसान को ये इनकलाब आफरीन पैगाम दिया कि किसी इंसान को हक हासिल नहीं कि वो किसी दूसरे इंसान से अपना हुक्म मनवाए। इंसानों को अपने मामलात कवानीन खुदाबंदी की रोशनी में बाहमी मुशावरत से तय करने चाहिए, जो इनमें से उन कवानीनों जवाबत की निगहदाश्त सबसे ज्यादा करता है, वो इनमें सबसे ज्यादा वाजिब तकरीम है। लेकिन हक हुकूमत उसे भी हासिल नहीं हो सकता, हत्ता के खुद नबी को भी नहीं। मलूकियत की गुलामी से भी ज्यादा करबंगेज और इंसानियत सोज गुलामी इक्तसादी गुलामी इकोनॉमिक स्लेवरी है। नौ इंसानी इस कदर मुद्दत मदीद से इस गुलामी में माखूज चली आ रही थी कि गुलामों को अपनी गुलामी का एहसास तक भी नहीं रहा था। रिसालत मोहम्मदिया ने आकर ऐलान किया कि खुदा ने जमीन के दस्तरखान पर रिज़्क को इसलिए बखेर रखा है कि उससे तमाम नौ इंसान की परवरिश हो सके, लिहाजा किसी फर्द को यह हक हासिल नहीं कि रिज़्क के सरचश्मों पर जाती कब्जा जमा ले। ये मुआशरे की तहवील में रहने चाहिए और मुआशरे को तमाम अफराद की जरूरियात जिंदगी का कफील होना चाहिए। इस मकाम पर सलीम मुमकिन है तुम्हारे दिल में एक सवाल पैदा हो जिसका जवाब जरूरी है। तारीख इस पर शाहिद है कि जब कोई कौम रिज़्क की तरफ से मुतमैन हो जाए तो उसके कवाए अमलिया मफलूज हो जाते हैं और वो रफ्ता रफ्ता जिंदगी की हरारत से महरूम हो जाती है। अगर कुरानी निजाम के मातहत अफराद मुआशरा को हसूल रिज़्क की कश्मकश से निजात दिला दी जाए तो क्या इनकी भी यही हालत ना हो जाएगी? यह एतराज बड़ा माकूल नजर आता है और तारीख अकवाम इंसान को इसी नतीजे पर पहुंचाती है। लेकिन सलीम उसकी वजह यह है कि इंसान ने अपनी जिंदगी का मकसूद सिर्फ हसूल रिज़्क करार दे रखा है। उसके नजदीक जिंदगी हयात तबीई का नाम है और जब उसे इस जिंदगी की बका का सामान रिज़्क मुयस्सर आ जाए
तो उसके बाद उसके सामने कोई ऐसा मकसद नहीं रह जाता जिसके हुसूल के लिए जिद्दोजहद करनी पड़े। ये वजह है कि जब कोई कौम रिज़्क़ की तरफ से मुतमैन हो जाती है तो उसकी कुव्वतों में इज़्मे हलाल शुरू हो जाता है। लेकिन कुरान ने तबई जिंदगी को महज हैवानी सतह की जिंदगी करार दिया है, इसलिए यह मकसूद व मुंतहाए इंसानियत नहीं। उसने इंसान के सामने इससे कहीं बुलंद और वसी मकासद रखे हैं। उनकी तफसील मुख्तलिफ मौके पर बता चुका हूं, इसलिए उनके दोहराने की यहां जरूरत नहीं। कुरान ने यह देखा कि इंसान की यह किस कदर बदनसीबी है कि उसकी सारी तवानाइयां महज हुसूल रिज़्क में जाया हो जाती हैं और वो उनसे बुलंद मकासद की तरफ तवज्जो ही नहीं दे सकता, इसलिए उसे रोटी की तरफ से मुतमिन करके उसकी तमाम तवानाइयां को आला मकासद के हुसूल के लिए महफूज कर लिया और उससे कह दिया कि वो अपनी तमाम तवज्जोहात को इन मकासद पर मरकूज कर दे। और इस तरह अख्तार समावात वल अर्ज से आगे निकल जाने की कोशिश करे। जरा गौर करो सलीम के रसालत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक तब्दीली से आलम इंसान में कितना बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया। उसने इंसान की तमाम तवानाइयों को जो हसूल रिज्क जैसे असफल मकसद ही में जाय हो जाती थी महफूज कर लिया। लेकिन रिज्क की तरफ से इत्मीनान हो जाने से इंसान में जो तवत्तल पैदा हो जाता था उसके सामने बुलंद तरीन मकासद रखकर न सिर्फ इस तवत्तल को दूर कर दिया बल्कि उसकी जिंदगी को जिहाद मसलसल में तब्दील कर दिया। ऐसे मसलसल जिहाद में कि जाने वाली नस्ल जिस हद तक रास्ता तय कर जाए आने वाली नस्ल के लिए वो मुकाम सफर का नुकता आगाज बन जाए। यही वजह है कि कुरान माजी की तरफ निगाह रखने के बजाय हमेशा मुस्तकबिल को सामने रखने की ताकीद करता है। इसी का नाम ईमान बिलाखरत है और ये बजाय ख्वाहिश बहुत बड़ा इनकलाब है जिसे रिसालत मुहम्मदिया ने इंसानी निगाह में पैदा किया है। यानी हमेशा निगाह मुस्तकबिल पर रखनी वबिल आखिरत हुम यूकिनून, इस जिंदगी में भी मुस्तकबिल पर और उसके बाद की जिंदगी में भी। खत लंबा हो गया है लेकिन इसे खत्म करने से पहले मैं खसूसियत कुबरा का तज़किरा जरूरी समझता हूं जो मेरे नजदीक रसालत मुहम्मदिया का नौए इंसानी पर एहसान अजीम है। तुम गौर करो कि इंसान अपनी तबई दुनिया में नस्लन बाद नस्लन तरक्की करता हुआ किस तरह आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा है। मिसाल के तौर पर इमराज और उनके इलाज के शोभा ही को देखो। जिन इमराज को आज से चंद सदियां पहले लाइलाज समझा जाता था बल्कि यह भी मालूम नहीं हो सकता था कि वो अमराज हैं क्या, इन पर इंसान किस तरह काबू पाता चला जा रहा है। फिर तरीके इलाज पर गौर करो। अभी 50 साल पहले दांत निकलवाना इस कदर कर्बंगेज था कि आज उसके तसव्वुर से कपकपी पैदा हो जाती है। लेकिन आज एक दांत तो क्या पूरे का पूरा जबड़ा इस तरह निकाल कर रख दिया जाता है कि आदमी को पता भी नहीं चलता कि यह कब हो गया। इस तरह सर्जरी जर्राही की दूसरी मिसालों को समझ लो। अब तुम गौर करो कि पिछली सदी के इंसान के लिए यह तसव्वुर किस कदर यासंगेज और हसरतनाक होगा कि मैं यूं ही 100 साल पहले पैदा हो गया। अगर मैं भी 20वीं सदी में पैदा होता तो इस तमाम कुर्ब-दर्द से बच जाता जिसमें मुख्तलिफ अमराज और उनके इलाज की वजह से मुबतला रहा। यह इसलिए है सलीम कि इंसानी अकल का तरीक तजर्बाती है, वो मुख्तलिफ तजारब के बाद रफ्ता रफ्ता इंकशाफ हकायक करती है। यह वजह है कि इस बाब में साबिका नस्ल का इंसान आने वाली नस्ल की सतह से नीचे रह जाता है। यह उसकी बेबसी है जिसका कोई इलाज नहीं। लेकिन वही का तरीक तजर्बाती नहीं, उसकी रूह से वो तमाम हकायक जो इंसानियत की नशोनुमा के लिए जरूरी हैं बियाक वक्त नौए इंसानी पर नबी के जरिए मुनकशफ कर दिए जाते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि साबिका और मौजूदा आने वाली नस्ल के तमाम इंसान एक ही सतह पर होते हैं। इसमें किसी गुज़श्ता नस्ल के इंसान को उसका अफसोस नहीं होता कि वो आने वाली नस्ल से पहले क्यों पैदा हो गया। वो भी इसी मुकाम पर होता है जिस मुकाम पर आने वाली नस्ल के इंसान ने होना है। लिहाजा इसमें किसी दौर के इंसान के लिए वजह मायूसी और एहसास बेबसी नहीं होता। वही की रूह से अता फरमूदा प्रोग्राम सबके लिए यकसां तौर पर बायस रहमत होता है। जो कौम जिस दौर में इसे इख्तियार करे उसके सामने वही नतीजे आ जाते हैं। क्योंकि यह प्रोग्राम रसालत मोहम्मदिया में तकमील तक पहुंच गया और हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया, इस
इसलिए रसालत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नए इंसानी के लिए रहमत है। वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन का मफहूम यही है। क्यों सलीम, कितना बड़ा है ये एहसान। उसकी सपासगुजारी में तमाम नए इंसानी की गर्दन इस रहमतन लिल आलमीन के हजूर झुकनी चाहिए या नहीं। अब तुम समझे कि मैं इस तकरीब अजीम को क्यों तमाम दुनिया के इंसानों के लिए सबसे बड़ा जश्न मसरत करार देता हूं। सलीम, दुनिया ने अभी तक रसालत मोहम्मदिया की गायत मकसूद को समझा ही नहीं, लेकिन इसमें दुनिया वालों का क्या कसूर। हम इन्हें समझाते तो वो समझते, और उसके जवाब में तुम कह दोगे कि इसमें हमारा भी क्या कसूर, हम खुद समझते तो दूसरों को भी समझाते। बहरहाल अब तुम समझ गए कि रसालत मोहम्मदिया किस तरह रहमतुल आलमीन है। इस नुक्ता की मजीद तशरी दूसरे खत में की जाएगी। वाबियाद तौफीक, वस्सलाम, परवेज, अक्टूबर 1955।